अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। आज हम बनाने लगे हैं घिया का रायता कद्दू का। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रायता बनकर तैयार होगा। सबसे पहले मैंने एक अदद फ्रेश घिया ली है, तो इसको अब हम छील कर काट लेते हैं। अब इधर हमने देखी में रख दिया पानी, और इसमें शामिल करेंगे ये घिया। इसको हमने अच्छी तरह छील कर काट लिया बारीक बारीक। तो अब हम इसे पकाएंगे। ये अब जो अच्छी तरह गल जाएगी तो इसे करेंगे हम मैश। ये हमारी घिया कद्दू गल के तैयार हो गया है। इसको हमने अच्छी तरह बॉईल किया और बॉईल करके अच्छी तरह इसको मैश कर लिया। तो इधर हमने लिया है आधा केजी फ्रेश दही। तो अब मैं इस घिया को इसमें ऐड करूँगी। तो अब इधर एक मीडियम प्याज और टमाटर ये इसमें जाएगा। ये हमारा रायता बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। ये हमने पुदीना हरी मिर्च 3 से 4 अदद और धनिया को अच्छी तरह हमने पीस लिया। अब इसमें ये ऐड करेंगे। अब जाएगा इसमें नमक आधा चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करें। तो आधा चम्मच गरम मिक्स मसाला इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा रायता तैयार होगा। आजकल किसी सब्जी को, गोश्त को, किसी चीज़ को दिल नहीं करता गर्मी की वजह से। तो ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ये वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो आपको बहुत पसंद था, ये फेवरेट डिश थी। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रायता हमारा रेडी हो गया। हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसके साथ आप खाने, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे भी ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा रायता तैयार हो गया। हमने कोई इसमें आर्टिफिशियल मसाला वगैरह नहीं ऐड किया, सारे मसाले फ्रेश हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा रायता तैयार है। तो आप भी, अगर आपका किसी सालन को, सब्जी को, दाल को दिल ना करे तो इस तरह का रायता बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये रायता तैयार होगा। ये देखें, ये माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें, बरकतें, और शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में जायका रखा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आज का हमारा घिया का रायता, कद्दू का रायता तैयार हो गया। बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बनने वाला। आप बनाकर अपने घर वालों का दिल खुश करें और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी कैसी लगी आज की रेसिपी। बहुत ही यूनिक और मिनटों में बनने वाली एक